ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन अयोध्या में होने जा रहा है। ऐसे में राम भक्त गांव-गांव घर-घर जाकर एक खास अंदाज में लोगों के घर पर चावल देकर आ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपको अपने घर में 5 दिए जलाने हैं। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि राम मंदिर से आए इन चावलों का क्या करना है, दिए हमें कितने जलाने हैं, किस समय जलाने हैं और ये दिए कहाँ पर जलाने हैं और राम ज्योति कब जलानी है। दोस्तों 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाया जाएगा। इस दिन आपको कम से कम 5 दिए जलाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 21 दिए जला सकते हैं। यदि आपके घर में पुराने दिए दिवाली के बचे रखे हैं लेकिन वो जले हुए नहीं होने चाहिए, कोरे दिए हैं, तो आप उनको जला सकते हैं। नहीं तो आप नए दिए मिट्टी के खरीद करके जला दीजिए। ये दिए आप तेल के जला सकते हैं या घी के जला सकते हैं। इसके अलावा आपके घर मंदिर में भगवान राम की जहाँ भी मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की प्रतिमा है, फोटो है, जो भी है वहाँ पर ये आपको जलाने हैं। साथ ही आपको एक अखंड दीप जलाना है। इन 5 दियों में से या 21 दियों में से एक आपको अखंड दीप जलाना है। आपकी जो भी इच्छा है भगवान राम से कहिए, आपकी मनोकामना जरूरी पूरी होगी। ये दिए आपको अपने दो बाहर जो आपका मेन गेट होता है उसके दाई ओर और बाई ओर जरूर जलाने हैं। उसके बाद बाकी दिए आपको एक मंदिर में जलाना है और जो आपके दिए बचे हैं उन्हें आप रसोई में या घर में कहीं पर भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि दिए का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम दिवाली पर लगाते हैं अपने घर में, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, जितने भी दिए आप लगाना चाहते हैं वैसे ही लगा सकते हैं। बस आपको राम के नाम की एक अखंड जोत जलानी है जो कि 24 घंटे प्रज्वलित होनी चाहिए। अब बात आती है अयोध्या से आए पीले चावलों का क्या करना है। दोस्तों हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान होता है। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, बिना चावलों के पूरा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र की माने तो राम मंदिर से जो निमंत्रण आए हैं, जो लोगों को चावल मिले हैं, यदि आप इनका लाभ पाना चाहते हैं तो चावलों को आपको एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होते हैं और घर में लक्ष्मी का योग का निर्माण बनता है। इससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि चावल को शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह धन की देवी लक्ष्मी से भी संबंधित होता है। घर में सभी सुख सुविधाएँ इंसान को प्राप्त होती हैं, तो इन चावलों को आप अपने घर की तिजोरी में लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। जैसे कि चावल आए हैं तो इसमें से एक दाना आप थोड़े से चावलों में मिला लीजिए और उसमें बांध कर रख दीजिए। इसके अलावा जब प्राण प्रतिष्ठा खीर में भी इन चावलों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आप इस खीर को पूरे परिवार में बांट सकते हैं। यदि आपकी जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है या शादी होने वाली है, उन्हें सौभाग्य के रूप में भगवान राम से आए मंदिर चावलों को कन्यादान भी पिता जो है वो कर सकते हैं। कहते हैं राम मंदिर से आए जो पीले चावल है ये इतने शुभ माने जा रहे हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले इन चावलों से अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं। इससे आपके घर में खुशियां आएंगी और आपका हर काम आसानी से बनता चला जाएगा। राम मंदिर से आए पीले चावलों को, बेटी की शादी है तो उन चावलों को आप अक्षत में डाल दीजिए। इससे आपके घर में बरकत भी होगी, ससुराल और मायके दोनों में सुख शांति होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान राम के साथ आपको हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। घर में कोई नई नई दुल्हन आई है, पहली रसोई बना रही है, तो वो इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। कहते हैं इन चावलों के प्रयोग से रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होगा, ससुराल के रिश्ते मजबूत होंगे, भगवान राम के साथ आपको भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों कोई भी पूजा पाठ हो, किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हो, अपने घर में इन चावल का एक एक दाना आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इन चावलों को आप अपने घर की तिजोरी में लाल रंग के कपड़े में बांध करके रखिए। आपको भगवान राम को प्रसन्न करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि जाना चाहते हैं, तो आपके घर के पास कोई भी विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु जी को वैजयंती माला लाकर पहना दीजिए। जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे ये माला आपको उस दिन पहनानी है। इससे आपके घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आएगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। किसी पास में मंदिर है तो वहाँ भी बना सकते हैं, पास में मंदिर नहीं है, घर में विष्णु जी की मूर्ति है तो उन पर अर्पित कर सकते हैं। कोई विष्णु जी की मूर्ति भी नहीं है तो किसी पास में जहाँ पर मंदिर है उसमें कोई पुजारी होंगे, पंडित होंगे, उनको आप उस माला का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान को भोग किन किन चीज़ों का लगाना है। तो भोग लगाने के दोस्तों कई फायदे होते हैं। इसके लिए आपको गुलदाना लेना है, दही लेनी है, इन दोनों का भोग आपको अलग अलग लगाना है। भगवान राम के स्वरूप, चाहे वो आपके भगवान जी की तस्वीर हो, भगवान विष्णु की हो, कृष्ण जी की हो, तीनों का कोई सा भी मंदिर हो, चाहे आपके घर पर हो, तो आप इन तीनों में से किसी भी भगवान को इन दोनों चीज़ों का, गुलदाने का और दही का भोग लगाएं। साथ ही ध्यान रखें कि भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें और इस प्रसाद को मंदिर में रखने के बाद में, जहाँ पर भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, 5-10 मिनट रखने के बाद में उस भोग को अपने घर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब में आपको बांटना है।
इसके अलावा इस दिन आपको एक और उपाय करना है जो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में जाकर करना है। भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो इसको आपको अपने घर पर करना है। इसमें आपको जो चौथा उपाय करना है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम की आपको एक एक सुपारी लेनी है, चाहे वो सदस्य आपके घर में है चाहे घर से बाहर रहते हैं। तो जितने भी सदस्य आपके घर में मौजूद हैं उन सब की सुपारी लेनी है। अब आपको भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर में जाना है, मूर्ति के आगे दो सुपारियों को आपको चढ़ा देना है। वहाँ पर आपको इन सुपारी को थोड़ी देर रखना है और इसके बाद अगर मंदिर में भी नहीं है, घर पर शिव पार्वती हैं तो वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं, लेकिन शिव पार्वती होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर केवल शिवलिंग है या शिव जी की मूर्ति है, दोनों की साथ में होनी चाहिए। घर में है तो घर में रख सकते हैं, सुपारी को थोड़ी देर रखें और उसके बाद इन्हें उठा करके किसी भी नदी तालाब में आप समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके परिवार में खुशियां दौड़ी चली आएंगी, कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।